हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट न्यूज एक्टर चंद्र पांडे के निधन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, टीवी शो रामायण में निषाद राज की भूमिका निभाने वाले चंद्रकांत पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। शो में सीता की भूमिका निभाने वाली उनकी सह कलाकार दीपिका चिखलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि की। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले रामायण ने चंद्रकांत ने भगवान राम के बचपन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। शो के अलावा उन्होंने कथित तौर पर प्रेम लगना प्यार हो गया, परिवार ना पंखी, होते होते प्यार होगा और चुनाड़ी नानी और भी कई फिल्मों में अभिनय किया है। वह कुछ गुजराती फिल्मों में भी दिखाई दिए। इस महीने की शुरुआत में रामायण के रावण अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का भी निधन हो गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। रामायण के अभिनेता सुनील लहरी ने उस समय इंस्टाग्राम पर उनकी मृत्यु की खबर साझा की थी। बहुत दुख समाचार है कि हमारे सबके प्यारे अरविंद भाई अब हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने आगे लिखा, मैं अवाक हूँ, मैं अपने पिता को खो दिया है जो मेरे मार्गदर्शक और शुभचिंतक सज्जन थे। रामायण पहली बारी 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। कोविड-19 महामारी के बीच पहले लॉकडाउन के दौरान श्रृंखला को फिर से प्रसारित किया गया था। पूर्ण प्रसारण में 2015 के बाद से ही हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कार्यक्रम के लिए उच्च रेटिंग दर्ज की। दीपिका ने जहां सीता का किरदार निभाया था, वहीं अरुणा गोविल ने राम, सुनील लहरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान का किरदार निभाया था। इसे रामानंद सागर ने बनाया और निर्देशित किया था। तो ऐसे ही तरोताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देख न्यूज के साथ और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें। धन्यवाद।